नमस्कार। इन दिनों हम कोरोना वायरस से उपजी वैश्विक महामारी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जागृत कौमों ने संकट के सर्वाधिक कठिन क्षणों में ही ऐसे फैसले किए हैं जो आगे चलकर नज़ीर बने। कोरोना सिर्फ आपदा लेकर आया है या कोरोना के पीछे कुछ अवसर भी छिपे हैं, इस बात का उत्तर ही भारत का भविष्य तय करेगा। बहुत आसान है हम किसी केंद्र या राज्य सरकार या प्रशासनिक मशीनरी की कमियों को उजागर करें, सामने लेकर आएं, लेकिन यह वक्त कमियां उजागर करने की बजाय कुछ सकारात्मक सोचने का है, आगे बढ़ने का है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पलायन की। आप जरा अपने जहन में पिछले कुछ दिनों पहले की कुछ तस्वीरें लाइए। देश का कोई भी राजमार्ग हो, मजदूरों की लंबी लंबी कतारें बहुत कुछ कह रही थी। सिर पर सामान की गठरियां थी, हाथों में नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथ था, लेकिन जो उनके अंतर्मन में था, जो पीड़ा वो भोग रहे थे, शायद उसका सवाल किसी उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दुखी मन, दर्द और पीड़ा लेकर मजदूर अपने गंतव्य तक, गांवों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पूरी कवायद का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम रिवर्स प्लान कह सकते हैं। जो मजदूर लौट कर गए हैं, जो मजदूर रोजगार छिनने के कारण भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अब उन्हें नए सिरे से सोचना होगा, चिंतन करना होगा और उनके बारे में सरकारों को भी सोचना होगा। संकट की यह बेला कुछ समाधान भी लेकर आई है। यही समय है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार हस्तशिल्प या कृषि आधारित उद्योगों और मनरेगा जैसी योजनाओं को गति दे। रिवर्स पलायन के चलते जो मजदूर गांव पहुंचे हैं उन्हें रोजगार दे। मेक इन इंडिया, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसे परवान चढ़ाने का ये सटीक मौका है और ये मौका हमारे आने वाले कल की तस्वीर भी एक ऐसी तस्वीर सामने ला सकता है जो कहीं ना कहीं देश को समृद्ध और मजबूत करेगी। अगर हम मजदूरों के लिए गांवों में वातावरण तैयार करने में सफल हो जाते हैं तो आप तय मानिए कि सब कुछ बदलने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें, एक पुरानी कहावत है, विजेता संकट के समय में संयम नहीं खोते। हम आप सब विजेता हैं और कोरोना की लड़ाई हर हाल में जीतेंगे भी, लेकिन हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी होने पर ही घर के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और हाँ, अंत में एक बात मीडिया के लिए, मीडिया के मेरे साथियों के उस जोश, जज्बे और जुनून को मैं कोटि कोटि सलाम करता हूँ, जो कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं जान हथेली पर रखकर। यह वाकई में पूरी मीडिया के लिए कठिन दौर है। आपको अक्सर खबरें भी देखने को मिल रही होंगी कि मीडिया हाउसेज में भी कई सारे कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। हमारे शहर आगरा में भी एक मीडिया हाउस में कई संक्रमित मिले भी हैं साथी। तो हमें बहुत बचाव करके लोगों की अपना ख्याल रख के अपने काम को अंजाम देना है। अधिकांश संस्थान यहाँ वर्क फ्रॉम होम पर जा चुके हैं और ये जो वर्क फ्रॉम होम का ये जो चलन है और जो कल्चर जो आया है, आने वाले समय में कंपनियों की सोच को भी बदलेगा। और ये कंपनियों की अगर सोच बदलती है तो आप तय मानिए कि मीडिया का भी परदृश्य बदलने जा रहा है कोरोना काल के चलते। तो एक बार पुनः मैं दखल न्यूज के प्रमुख अनुराग उपाध्याय जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। और उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना की जो लड़ाई है, हम सब मिलकर इसे जरूर जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक,
झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।